सो हेलो बडी, गुड मॉर्निंग। तो गाइस धूप बहुत अच्छी लगी हुई थी और यहाँ पे जॉनी भी धूप का मज़े ले रहा था। और गाइस यहाँ पे मैं अपना ब्रश कर रही थी धूप के साथ और गाइस धूप की किरणें बहुत अच्छी लग रही थी और गाइस मज़ा ही कुछ और आ रहा था। और गाइस यहाँ पे हमें क्रो दिखता है जो कि मुझे न्यू विश कर रहा होता है। तो गाइस देख, हैप्पी न्यू ईयर तुमको भी। सेम टू यू, हैप्पी न्यू ईयर। गाइस देखो हैप्पी न्यू ईयर बोल रहा तुम्हें, सुनाई दे रहा? वो देखो दोबारा दोबारा, ये एक बार और यो। और उसके बाद गाइस हम निकलते हैं दूध के लिए। और गाइस ये रहा दूध का डब्बा और इसमें लेके आएंगे हम दूध। और आंटी जो यहाँ पे गौशाला शॉप कर रही होती है और यहाँ बाहर पे छोटी वाली भैंस निकाल दी है आंटी ने और जो बड़ी वाली भैंस है वो अंदर अभी गौशाला के अंदर है। तो गाइस चलते हैं दूध के लिए। पहले यहाँ, मुझे लगा यहाँ है, मतलब दोनों जगह है ना। बांधा है हाँ। गाइस यहाँ पे आंटी बोलती है तुम डॉगी के लिए बिस्किट क्यों नहीं लेके आई, इसलिए वो भौंक रहा है। अब हम दूसरी जगह जा रहे हैं दूध लेने के लिए और गाइस इसका पता नहीं है, ये भौंक ही रहा है मम्मा। और गाइस ये है कुछ खाने के लिए। काटेगा तो नहीं? मम्मी इधर आ, मम्मी इधर आ, मेरे पास आ मम्मा। अरे मत काटना मेरे को, मैंने कुछ ज्यादा कपड़े भी नहीं पहने हुए। गाइस ये ठीक मेरे पीछे है, मुझे बहुत डर लग रहा है। डॉगी तो पसंद है मुझे बड़ी है ना, कुछ कुछ ना काटने के लिए आ जाता है ना तो फिर मुझे अच्छे नहीं लगते। गाइस ये ठीक मेरे पीछे था, मेरे को भी पकड़ना, मैं तेरे साथ चलूँगी। अब नहीं काटेगा ना तेरे भाई साहब। हम जा रहे हैं दूध लेने। कद्दू बड़ा कद्दू है ये। गाइज हम दूध लेके घर आ जाते हैं और ये रही हमारी प्यारी सी क्यूट सी कैट। यहाँ पे बैठी हुई थी तो ये अचानक मेरे पास आ जाती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत क्यूट है यार। मैं तब से सोच रही थी, मैं इसको पकड़ने की सोच रही थी, ये मेरे पास आ ही नहीं रही थी, बट फाइनली मेरे पास आई और मुझे बहुत अच्छा लगा। और गाइज बहुत ही क्यूट थी, मॉर्निंग के टाइम पर परेशान करने आ जाती थी, उठा लेती थी। गाइज तो हे गाइस, उसके बाद यहाँ पे रश्मि हमारे ले लाती है गर्मा गर्म नाश्ता। और गाइस नाश्ते में बहुत कुछ बनाया था आंटी ने, पूरी पकौड़ी रोटी सिवैया और चटनी और साथ में चाय। और गाइस धूप में बैठ के इतना मज़ा आ रहा था, काफ़ी टाइम बाद हम ऐसा खाना खा रहे थे धूप में बैठ के। और गाइस बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी पकौड़ी, तो बहुत करारी और बहुत औसम थी। और चाय और गाइस चटनी के साथ तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, यम, बहुत ही मज़ा। ये
है। तो गाइज यहाँ पे हमारी मम्मी भी पकौड़ी खा रही होती है, और गाइज उसके बाद नाश्ता करने के बाद गाइज हेलो हेलो कहीं तुम झाड़ू में आए झाड़ू में डाल रहा बट पहने को भी तो पाई ये लड़की करेगी दिख रही है आपको ये लड़की नहीं देखो आ गया झाड़ू वाली आई गाइस सफाई करने के बाद हम नहाते हैं थोड़ा धूप सेकते हैं, और धूप में खा रही हूँ मैं अभी केक, और गाइस बहुत ही टेस्टी हो रहा था अभी क्योंकि रात को तो ठीक से खा नहीं पाई, अभी बहुत यम हो रहा था गाइस। तो गाइस आप भी खा लो थोड़ी सी। आप मेरी कितनी प्यारी दोस्त है, मेरे लिए स्पेशल नमक पीस रही है अमरूद के लिए, देखा गाइस एकदम थोड़ा। हाँ गाइस खुशबू तो बहुत टेस्टी आ रही है, बट खाने में कैसे होगा, यम्मी गाइस देखो लव यू। तो खाने में पता चलेगा ना कैसा हो रहा है। हाँ गाइस बताएंगे हम अमरूद के साथ। और गाइज यहाँ पे हम करते हैं मिक्स फ्रूट अमरूद एंड ऑरेंज दोनों को मिक्स करके, और जो नमक रश्मि ने पीसा है उसको भी मिक्स करेंगे, और गाइज बताएंगे कि कैसा पीसा हुआ है नमक, क्योंकि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही थी, और अब टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा बना है। अब चलो गाइज टेस्ट करते हैं। बहुत टेस्टी हो रहा, आप भी खा लो। वाह। और गाइस उसके बाद हमने दिन में खाए दाल चावल, और गाइस दाल बना रखी थी मोटी राजमा की दाल और चावल और थोड़ी सी पत्ता गोभी की सब्जी और अचार और दही। गाइस बहुत ही यम हो रहा था, बहुत टेस्टी हो रहा था, दिन का खाना भी बहुत टेस्टी बना हुआ था। और गाइस खाते हैं। तो गाइस खाना खाने के बाद मैं सो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई, और गाइस तब भी धूप थी, और गाइस बहुत ही प्यारा लग रहा था, गाइस सुकून सा मिल रहा था। और गाइस जब मैं उठी तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी चिड़ियाएँ देखी, उस जैसे ही मैंने कैमरा पीछे ऑन किया तो वैसे ही वो वहाँ से कम कम होती गई, बट गाइस वहाँ पे वो खाना खा रही थी। गाइस कुछ टाइम पर जब खाते खाते वो अपना बाउल भी नीचे गिरा लेती है। गाइस मेरे को बहुत ही हंसी आ रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था, उनकी आवाज़ सुनाई देती ची ची। गाइस हम इवनिंग वॉक पे जा रहे हैं, मोटापा आ गया है गाइस, मोटापा आ गया है शायद इस पैर मुझ पे तो नहीं आया, इतना तो मोटा चलता है, उससे ज़्यादा चलेगा तो गलत बात है। बोलो बोलो फिल्टर की ऐसी मार है कि हरियाली कहीं नहीं दिख रही है, सुबह सुबह दिख रहा है, रियल वाला दिखा दी थी, देखो बस यही है जो है, और क्या बोले और कुछ नहीं। और गाइस अब हम निकलते हैं घर के लिए, और गाइस घर
जाने के बाद आंटी जी हमको शॉप में भेज देती है और मैं और सृष्टि शॉप में जाते हैं। और गाइस कितना प्यारा व्यू लग रहा था यार, जो सन है ना जब डूब रहा था तो तब भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। और गाइस ये अंधेरे को तो गाइस यहाँ पे ना कुछ छोटे छोटे कीट मकोड़े ना ऐसे आवाज़ निकालते अजीब सी, बस तुम भी सुनोगी। हम ये कौन सा कीड़ा हो गया या कौन सा कुछ हो गया या कुछ है ना, उसकी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही नहीं गूंज रही, टू 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 टू। और गैस खाना खाने के बाद हमने यहाँ पे दूध पिया और यहाँ पे कुछ मीठा खाया, क्योंकि खाना खाने के बाद मीठा खाना पड़ता है। और गैस यहीं पे मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, लव यू।